तो स्टार्ट करते हैं आज का आज की जो क्लास है आज की अबाउट द सी कि क्या होता है बिहाइंड द सीन्स वी विल स्टार्ट विद सी। ठीक है, तो जो भी आज के बाद डिटेल्स होंगी, हमने बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज तो सीखा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, हमने उसके बारे में जाना, हिस्ट्री के बारे में भी हमने जाना। अब हम जानेंगे कि क्या बिहाइंड द सीन्स आज क्या होता है कि जब भी हम एक सी प्रोग्राम चलाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं सी में, तो कैसे बनता है, उसमें क्या चीजें होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी फेज ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं सी में, कोई भी एक छोटा सॉफ्टवेयर बनाए या बड़ा सॉफ्टवेयर बनाए, ठीक है, या एक छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो कुछ ना करे, या एक बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सपोज आप एक एंड्रॉयड ऐप बनाओगे, ठीक है, हालांकि वो किसी और लैंग्वेज में बनाए जाते हैं सपोज के लिए, या एक सॉफ्टवेयर बनाओगे, ठीक है, या एक एंटीवायरस बनाओगे, तो एक बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो चाहे छोटा प्रोग्राम हो जो सिर्फ एक प्रिंट आउट दिखाता हो, हेलो हेलो लिखता हो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या आपका नाम, या एक बड़ा सॉफ्टवेयर जैसे एक एंटीवायरस या कुछ और, या नेटवर्किंग का कोई चीज, ठीक है, जो भी आपने बनाना है, हर एक प्रोग्राम वो छोटा हो बड़ा हो उसमें एक फेज, कुछ फेज होते हैं, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ फेज, कुछ फेज होते हैं जिनमें इसी प्रोग्राम को गुजरना होता है। ठीक है, व्हाट आर दोस फेज? एक्चुअली जो हम लिखते हैं, लास्ट वीडियो में जो आपने देखा, जो हमने लिखा कुछ, जो हमने हैश इंक्लूड्स stdio.h, फिर हैश इंक्लूड्स coni.h, फिर int main, वो जो हमने चीजें कुछ लिखी थी, उनको उस चीज को बोलते हैं सोर्स कोड। तो व्हाट इज द सोर्स कोड? एक्चुअली हम जो लिखते हैं यहाँ से उसको सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो ही हमने सोर्स कोड लिखा, तो पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है, तो वो सोर्स कोड जो हम लिखते हैं तो वो फिर जाता है एक चीज के बाद, उसको बोलते हैं प्रीप्रोसेसर। आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट इज प्रीप्रोसेसर, क्या करता है। तो प्रीप्रोसेसर कुछ काम करता है, फिर वो एक और चीज को देता है जिसको जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर भी कुछ काम करता है, फिर वो देता है किसी और चीज को जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, असेंबलर भी कोई काम करता है, फिर पहुंच जाता है लिंकर, और लिंकर के पास से निकल के हमें मिल जाता है एक्चुअल आउटपुट, जिसे हम एग्जीक्यूटेबल कोड बोलते हैं। सो देयर आर सो मेनी फेजेस। ठीक है, हमने पहले कोड लिखा, असल में हमें पता तो नहीं चलता ये दीज ऑल थिंग्स आर बिहाइंड द सीन, इनके बारे में हम बस पता होना चाहिए कि चीजें क्या है, इनके बारे में डिटेल में आपको अलग से सब्जेक्ट्स आगे आपको अलग से सब्जेक्ट्स मिलेंगे। कंपाइलर डिजाइनिंग हमारे पास असेंबलर अलग होता है, असेंबली लैंग्वेज अलग होती है, कंपाइलर डिजाइनिंग अलग से होती है कि कैसे कंपाइलर बनाया जाता है, वो सारी चीजें अलग होती है, लेकिन ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन है अभी के लिए, हमें पता नहीं है, लेकिन ये हो रही है, हम एक क्लिक कर रहे हैं ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन हम बस हमें एक आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हम एक प्रोग्राम को फिर चाहते हैं कि रन हो जाए या एग्जीक्यूट हो जाए, तो प्रोग्राम लिखने से लेकर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने तक, हालांकि हमारे सिस्टम में जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एक सेकंड के भी कुछ हिस्सों में हो जाता है हमारा सारा काम, या अगर हमारे पास बड़ा प्रोग्राम हो, सपोज वी हैव 1 लाख लाइंस ऑफ कोड, उसमें भी 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, हमारे इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम एज वेल, हमारी सिस्टम परफॉर्मेंस कैसी है। तो सपोज हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें भी 1 या 2 मिनट लेंगे, और उस 1 या 2 मिनट में ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, मैंने जैसे बोला ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन है, इनको डायरेक्टली हमें इनके साथ अभी कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन कुछ चीजें हो रही है। ठीक है, तो देन वी हैव एक्चुअली फर्स्ट ऑफ द थिंग, जब हम सोर्स कोड लिखते हैं वो मिल जाता है प्रीप्रोसेसर। तो प्रीप्रोसेसर क्या होता है? द सोर्स कोड जो हमें मिल जाता है, हमारे पास हमें जो सोर्स कोड हमें मिलता है, ठीक है, तो वो सोर्स कोड एक्चुअली वो चला जाता है प्रीप्रोसेसर को। द सोर्स कोड विच इज रिटन इन अ टेक्स्ट एडिटर, या जो जैसे भी हम लिखते हैं आईडी में, टेक्स्ट एडिटर होता है हमारे पास, जैसे आपके पास वर्ड होता है या हमारे एक और फाइल एडिटर्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे नोट पैड होता है, नोट पैड प्लस प्लस,
तो उनमें उनमें हम एक लिखते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था कोई प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम, तो उसको फिर दिया था डॉट सी, मैंने बोला था डॉट सी दे के एक्सटेंशन को देना है और सेव करना है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये प्रोग्राम जो है प्रोसेसर को मिलता है। तो प्रोसेसर क्या करता है इस प्रोग्राम को, प्रोसेसर एक्चुअली प्रोसेसर क्या करता है, तो असल में क्या होता है यहाँ पे, हम जो सोर्स कोड लिखते हैं, जो हम लिखते हैं सोर्स कोड से बोलते हैं, तो हम सोर्स कोड लिखते हैं, उसमें कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने लास्ट में लिखा हैश इंक्लूड stdio डॉट h, तो हम मैंने बोला तो वो एक फाइल होती है, ठीक है, लेकिन हम उस पूरी फाइल का कोड नहीं लिखते हैं, या उसमें जो चीजें वो नहीं लिखते हैं। लेकिन क्या होता है, हम या बहुत सारी सपोज ऐसे आप अभी के लिए मानो कि हम कुछ एब्रीवेशन से लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, छोटी छोटी एब्रीवेशन लिखते हैं, तो एब्रीवेशन क्या होता है, वो हम लिखते हैं लेकिन उनको हम डिफाइन नहीं करते वहां पे, हम बस एब्रीवेशन यूज करते हैं। लेकिन जब प्रोसेसर के पास हमारा एक सॉफ्टवेयर ही होता है, हमारा ये प्रोग्राम सोर्स कोड पहुंच जाता है, तो उस प्रोसेसर को, प्रोसेसर क्या करता है, इसको एक्सपैंड करता है। यानी सपोज अगर हमारे हमने कुछ एब्रीवेशन लिखी है, वो डायरेक्ट एब्रीवेशन नहीं होती है, वो हमारी प्रोग्राम रिलेटेड कुछ एब्रीवेशन होती है, तो अगर वो हम कुछ एब्रीवेशन लिखते हैं तो उन एब्रीवेशन को एक्सपैंड करता है, ठीक है, और उनको फुल कोड बनाता है। तो ये काम है प्रोसेसर का, ठीक है। तो व्हाट एक्चुअली प्रोसेसर डज इज इट, देयर आर सम कुछ कोड्स होते हैं, हमने अपने प्रोग्राम में कुछ छोटे छोटे कोड्स यूज किए होते हैं, ठीक है, तो उनकी एक्चुअली बैक एंड में एक बहुत बड़ी मीनिंग होती है, तो उस मीनिंग वाली सारी चीजों को वो लाता है, ठीक है। देन वी हैव कंपाइलर, प्रोसेसर जब अपना काम खत्म करता है तो ये चीज फिर पहुंच जाती है कंपाइलर के पास, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, जो कोड द कोड विच इज एक्सपेंड बाय द प्रोसेसर इज पास्ड टू द कंपाइलर, तो कोड जो एक्सपेंड किया किसने, प्रोसेसर ने, जो हमने कुछ शॉर्टकट में लिखा था, ठीक है, वो सारे उनकी सारी जो डिटेल्स है वो सारी प्रोसेसर ने उनको खोल बता दी, एक्सपेंड कर दी, तो वो सारे एक्सपेंडेड कोड जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में वो कंपाइलर के पास पहुंच जाता है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इस कोड को कन्वर्ट करता है इनटू असेंबली कोड। तो असेंबली कोड अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बोले थे, मैंने बोला मशीन लैंग्वेज है, वो है असेंबली लैंग्वेज एंड वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, या इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, तो फिलहाल हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज ही बोलेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो ये कंपाइलर क्या करता है, उस हाई लेवल लैंग्वेज को बनाता है इनटू असेंबली लेवल लैंग्वेज। वही अगर आपको याद हो असेंबली लैंग्वेज में मैंने आपको बोला था कि उसमें छोटे छोटे टर्म से होता है, निमोनिक्स होते हैं, जैसे एड सम मूव, सो वो सारी चीजें होती है। तो कंपाइलर का काम है जो इसको एक्सपेंडेड कोड मिला, उस एक्सपेंडेड कोड को इसे क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर असेंबली लैंग्वेज में जब इसने कन्वर्ट किया, ये कोड पहुंच गया हमारे असेंबलर के पास। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर असेंबली कोड को कन्वर्ट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है जो एक्चुअली रन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड वो चीज होती है जो असल में रन हो जाए, यानी जो एग्जीक्यूट हो जाए। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप वो ऐप जो है, वो ऐप पहले क्या होता है, उस ऐप का वो पहले डाउनलोड होती है, ठीक है, तो डाउनलोड होती है, कोड होता है, तो कोड उसके बाद इंस्टॉल होता है। जो ही वो इंस्टॉल हो जाता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड, और ऑब्जेक्ट कोड बनने के बाद हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असेंबल का काम है, इसको असेंबली कोड मिला जो इसे कंपाइलर ने दिया, और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ये असेंबलर क्या करता है, असेंबलर इसको एज ऑब्जेक्ट कोड बना देता है, ठीक है। तो पहले हमारे पास था एक सोर्स कोड, सोर्स कोड मिला हमें प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने इसे क्या किया, प्रोसेसर ने इसको एक्सपेंड किया और दे दिया कंपाइलर को, कंपाइलर ने असेंबली कोड बनाया, और असेंबली कोड मिला असेंबलर को, उसने ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, और जो ही उसने ऑब्जेक्ट कोड बना दिया तो फिर उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है। जब पहले हमने इसको डॉट सी दिया था, लेकिन अब उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है।
अगर हम विंडोज डॉस बेस्ड, यानी विंडोज आप यूज कर रहे हो, विंडोज 7 या विंडोज 8 या विंडोज 10 जैसे है हमारे पास, अगर वो आप यूज कर रहे हो तो इसका एक्सटेंशन बन जाएगा .obj। सपोज हमने इसका कुछ नाम रखा है तो लास्ट में आ जाएगा .obj। अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो ये इसका नाम हो जाएगा ओ ओ खाली ओ, ठीक है। फिर हम इसको लिखते हैं ओ डॉट आउट, वो एक अलग चीज है, हम वो आपको मैं समझाऊंगा। तो जैसे हमने लास्ट में अपने प्रोग्राम को नाम रखा था माई प्रोग्राम, ठीक है, हमने इसको नाम रखा था माई प्रोग्राम। तो अगर यहाँ पर हमने इसको नाम माई प्रोग्राम रखा था तो जो ही असेंबली असेंबलर को मिल जाएगा माई प्रोग्राम डॉट सी, असेंबलर इसको क्या चेंज करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, और इसका नाम हो जाएगा, सपोज अगर हम विंडोज एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि हम अभी मैं विंडोज एनवायरमेंट पे हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा माई प्रोग्राम डॉट ओ बी जे। तो इसका जो एक्सटेंशन है डॉट सी से चेंज होते होते डॉट ओ बी जे तक पहुंच गया। इसका मतलब अब ये एक ऐसी फाइल बन गई, अगर इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आया, ये एक ऐसी फाइल बन गई कि जो अब रन हो सकती। देन उसके बाद है लिंकर। तो लिंकर क्या होता है, मैंने जो आपको बोला कि हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो पहले से ही बनी बनाई बने बनाया कोड है, तो वो कोड जो है वो पहले ही उसको कंपाइल किया गया होता है, ठीक है। तो अगर हमने वो लाइब्रेरी को यूज किया, जैसे हमने लास्ट वाले अपने एक एग्जाम्पल में stdio.h एक लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, सपोज वो हमने अगर यूज किया है, तो उसका कोड यहाँ पर लिंकर फिर उसका कोड जो है लिंक कर देता है हमारे कोड के साथ, वो जो लाइब्रेरी हमने यूज की उसका कोड, यानी वो डिटेल्स वो लाइब्रेरी में कैसे काम करता है तो वो जो है लिंक कर देता है। जैसे हम लिखते हैं कहीं पर हम नोट्स बनाते हैं, तो हम लिखते हैं ये लाइन, कोई लाइन एक लाइन लिखते हैं या डिफिनेशन लिखते हैं, फिर हम नीचे उसमें लिखते हैं कि दिस डिफिनेशन कि ये मैंने इस बुक से ली ही हुई है, ठीक है। तो अगर आप पहले आपने लिखा खाली इतना ही, तो लिंकर का काम है उस जो आपने लिखा नीचे कि इस बुक से लिए, लिंकर का काम है उस बुक से जो वो डिफिनेशन लिए उसको एक किस्म का स्नैपशॉट उठा के यहाँ पे चिपका देना कि ये जो है ये उसकी डिफिनेशन है वहां पे। तो जॉब ऑफ द लिंकर इस क्या है, ऑब्जेक्ट कोड और प्रोग्राम का जो हमारे पास लाइब्रेरी कोड जो है उन दोनों को आपस में जोड़ देना। हमने जो कोड लिखा और जो हमने लाइब्रेरी यूज की, जो हमने लाइब्रेरी यूज की, जो हमने वो कोड यूज की जो पहले से ही बने हुए थे, उन दोनों को आपस में जोड़ देना, ठीक है। तो ओवरऑल कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, हम कुछ लिखते हैं कोड, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, और हमने int main return 0 वगैरह जो हमने कोड लिखा था, तो ये हमारा है सोर्स कोड, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स कोड बन जाता है, और इसका क्या हो जाता है, इसका बन जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी होता है, मशीन रीडेबल होता है। मैंने जो बोला कि मशीन एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करंट को ही समझती है, तो हमने लो करंट या हाई करंट या करंट प्रेजेंस और करंट एब्सेंस को लास्ट टाइम में दिखाया था कि वो 0 और 1 से हम डिफाइन करते हैं। तो जो हम ये कोड लिखते हैं सारा, तो ये कन्वर्ट होता है इंटू 0s एंड 1s। तो यहाँ पर क्योंकि डमी है, मैंने इसको ऐसे ही दिखाया 0, ये जरूरी नहीं है कि यही 0 और 1 बन जाए, इसकी एक कॉम्बिनेशन बनेगी। यहाँ पर मैंने एक डमी दिखाया है, सपोज अगर हमने ये वाला कोड लिखा है, हमने ये कोड लिखा है दिस कोड, ठीक है, ये कोड हमने लिखा है, तो ये कोड सपोज इस, ये हमने क्योंकि सोर्स कोड है हमारे पास, जो हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं, और जो इससे आउटपुट निकलता है उसको ऑब्जेक्ट कोड बनते हैं। तो एट द एंड जो एक्चुअली रन होगा हमारे प्रोग्राम सिस्टम में, चाहे मोबाइल हो, चाहे हमारे पास टैब्स हो, या हमारे पास लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी हो, उनमें जो रन होगा एक्चुअली कोड वो ये ऐसा इस तरीका का कोड होगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, ऑल दीज थिंग, ये जो सारी चीजें हो रही है ये बिहाइंड द सीन है। अभी के लिए आपको बस थोड़ी सी याद रखना है कि एक प्रोसेस है हमारे पास, एक फेज वाइज है, हम जो लिखते हैं उसका एक वो डायरेक्टली एक्चुअली रन नहीं होता है। इन द मिडल ऑफ दैट देयर आर सो मेनी फेज दैट एक्चुअली हैपन, बहुत सारे फेज है जो असल में होते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस थिंग, इसका एक हम अभी डेमो करेंगे, डेमो में हम मैं दिखाऊंगा आपको कि ये एक्चुअली कैसे होता है।
तो ये हमारा वो एनवायरनमेंट है जिसमें हम एक्सेल में प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो मैं एक्चुअली आपको दिखाऊंगा फिर से जो भी हमें ये लिखते हैं, ये मैंने लिखा एक लाइब्रेरी फाइल है, फिर से लिखा है, ये भी एक लाइब्रेरी फाइल है, फिर हम लिखते हैं मेन। तो इसका एक अपना मतलब है हर एक चीज का। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पे। तो इसको अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको सेव करते हैं, ठीक है। सपोज माई प्रोग्राम डॉट सी, हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपाइल एंड रन, ठीक है। कंपाइल एंड रन का मतलब आप इसको कंपाइल भी करो और एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनाओ। तो जो है हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है, तो ये रन हो जाता है। देखो ये रन हो गया, ठीक है। तो हमें एक आउटपुट भी मिला यहाँ पे, हमें एक आउट, मैंने क्योंकि यहाँ पे लिखा प्रिंट वेलकम, तो ये वेलकम यहाँ पे हमें आ गया, ठीक है। ये कैसे आ गया ये हमें नेक्स्ट में हम देखेंगे। तो फिलहाल एक्चुअली समझने की बात यहाँ पे ये है कि हमने कुछ प्रोग्राम लिखा यहाँ पे, ये जो हमने सारा प्रोग्राम लिखा, दिस इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। तो दिस इज सोर्स कोड, ठीक है। तो ये सोर्स कोड है, और जो हमने जो ही हमने इसको कंपाइल एंड रन किया, अब देखिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमें ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, हमें ये एग्जीक्यूट हो गया। और जो हमें एग्जीक्यूट हो गया इसको हम बोलते हैं फिर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। बट बिटवीन दीज टू फेज हमारा सोर्स प्रोग्राम है, ये हमारे जो सोर्स कोड है उससे ये प्रोग्राम जो रन हुआ, इन द मीन वाइल यहाँ पर जो बहुत सारी चीजें होती है इनको वो हमने फेज में देखा कि इससे पहले ये कंपाइल होता है, पहले प्रीप्रोसेसर को मिलता है, फिर कंपाइलर को मिलता है, फिर असेंबलर को मिलता है, एट द एंड लास्ट में लिंकर को मिलता है, और ये प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन हमें यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चला कि कब ये प्रोग्राम किसको मिला, कैसे मिला, एंड हाउ डिड इट हैपन, वो सारी चीजें हमें बिल्कुल पता नहीं चलती है। लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स होती है। अभी के लिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैसे हो रही है, क्योंकि आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फिर कंपाइलर डिजाइनिंग वगैरह कैसे ये काम करते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली हमें कैसा होता है।